नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नगर परिषद पिछोर के अंतर्गत आने वाले रावतपुर क्षेत्र से लगे सभी वार्डों में इंसिडेंट कमांडर आनंद गोस्वामी, स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश और सफाई प्रभारी बलराम वाल्मीकि, स्ट्रीट लाइट प्रभारी हरि सिंह कुशवाहा, पटवारी कमलेश जैन द्वारा आज लगभग 6 वार्डों में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सबसे पहले नाली नालों को देखा गया। बरसात से पूर्व सभी नालों को सफाई करने के निर्देश दिए गए और इसकी लाइट बंद होने पर नायब तहसीलदार से काफी नाराजगी व्यक्त की। संबंधित कर्मचारी को स्ट्रीटलाइट सही करने के निर्देश दिए। वहीं वॉलों में गंदगी, साफ सफाई, खुली पड़े चैम्बरों को भी देखा गया, जिस पर इंसिडेंट कमांडर दिन संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी खुले पड़े नालों की वाल को चैम्बर बनाकर सही किया जाए, जिससे बरसात का पानी नलों के अंदर प्रवेश न हो। वही नगर परिषद के समस्त वार्डों में DDT डफाई फॉगिंग मशीन चलाने के भी निर्देश दिए। हिंदुस्तान टुडे के लिए संवाददाता जाकिर खान की रिपोर्ट। तो उसमें क्या, एक तो उसका चौकने का कारण किया तो पन्ने वन्ने और जो कचरा है ना वो उसमें डाल देते हैं, नाली नाली से ढके इधर आ जाता है नीचे चौक हो जाती है। अब वो कल से अभियान के चलाना पड़ जाता है, पॉलिथिन का और इसका उपयोग नहीं करें, ये तो उसमें जुर्माना किया जाए। ये भी एक प्राथमिक तभी कारण से वो नाली साफ होनी, नाले साफ होंगे ही होंगे, कितने बार साफ होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ों में आपको कमियाँ मिली हैं अभी तक? नहीं, एक तो ये नाले पूरे जो है पूरे साफ होना चाहिए, दूसरे जो अपने पाइप लाइन जो है अपने वाल में वो लीकेज हो रहे हैं, उनका चैम्बर बनवाना पड़ेगा, कोई व्यवस्था करना पड़ेगी जिससे कि वो पानी वेस्टेज ना हो। तीसरी चीज़ क्या है कि उन लोगों ने टोंटियाँ नहीं लगा रखी नालों में, वो लगाना जरूरी है, नहीं तो वो टेल एंड में पानी नहीं पहुँच पाता, फिर शिकायतें होती हैं। तो वो टोंटियाँ लगवाना पड़ेंगी, बाल में कहना उसको चैम्बर बनवाना पड़ेंगे, और जो रोडों में जो कट हैं उस पर वो चैनल लगवाना पड़ेंगे, जिससे क्या नाम से जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत होती है वो सही हो जाए। स्ट्रीट लाइट को लेकर आपने क्या? स्ट्रीट लाइट को मैंने कल ही बोल दिया था, तो कल तो आज ही ठीक हो गई पूरी चीज़, अब दो चार और रह गई थोड़ी बहुत, वो आज कंप्लीट हो जाए।